सवाल उठते रहे हैं। बिहार के युवा सरकार से लगातार नौकरी और रोजगार की मांग करते रहे हैं। रोजगार को लेकर सड़क से सदन तक हंगामे होते रहे हैं और आज एक बार फिर से सदन में रोजगार को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। यह रिपोर्ट देखिए। बीस लाख रोजगार का तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं, कहां मिल रहा है? नौकरी जहां जहां मिल सकती है देश और बिहार के नौजवानों को, उन नौकरियां जहां से मिलती हैं वो नौकरी की जगह खत्म हो गई। रोजगार को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। 19 लाख रोजगार के वादे का क्या हुआ? सरकार बताए कब मिलेगा युवाओं को रोजगार? बिहार में रोजगार को लेकर सड़क से सदन तक हंगामे होते रहते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। बिहार विधानसभा के पोट्रिकों में रोजगार को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि 19 लाख रोजगार के वादे का क्या हुआ? बिहार विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है और उतना ही ज्यादा हंगामेदार भी। बता दें चले, एक तरफ माले के विधायक जो हैं वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक हैं जिनका कहना है कि 19 लाख नौकरियों की जो बात सरकार ने की थी, घोषणा ही घोषणा, कब तक घोषणा, कृषि विद्युत कनेक्शन फेल है। तो दूसरी तरफ 19 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनका यही कहना है कि जो सरकार ने कहा था कि 19 लाख नौकरी देंगे उसका क्या हुआ? सरकार जो कहती है कि कई सारे वादे किए थे उसका क्या हुआ? देखिए बजट सत्र चल रहा है, हमारे साथ शकील अहमद भी हैं, कांग्रेस विधायक हैं। सर, 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं आज आप, आपको नौकरी मिली? ये जो मंत्री संतरी एमएलए बैठे हैं उनकी औलादों को, उनके बाल बच्चों को, उनके भाइयों को, उनके सगे संबंधियों को नौकरी मिली? तो ये जो मुद्दा है रोजगार का, तो ये उनके आका है वहां बैठे झूठ की प्रकाष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके अनुयायी बिहार सरकार में बैठे हैं। तो जो हमारा बजट पेश हुआ है 19 लाख का वादा हमने नहीं किया था ना, कांग्रेस ने, इन्होंने किया था नौकरी मिलेगी। वो कहाँ प्रतिलक्षित होता है, वो कहाँ दिखता है? न जमीन पे दिखता है, न इनके भाषणों में दिखता है। तो ये तो इसीलिए हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं कि रोजगार का मामला गंभीर मामला है, जिसको आपने एड्रेस किया था अपने मैनिफेस्टो में, वो कहीं नजर नहीं आता, सवाल वहीं पे। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी बीजेपी पर हमला किया है। तेज प्रताप यादव ने इस दौरान कहा कि चुनावी समर में किए गए वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। 19 लाख रोजगार के लिए वही चुनाव में बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो 19 लाख रोजगार का तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं, कहां मिल रहा है 19 लाख? बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में सड़क से लेकर सदन तक पहुंच चुका है, जहां एक ओर पटना में लगातार बेरोजगार छात्र सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरा है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार रोजगार को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है, क्या बीजेपी अपने किए गए वादे को निभाती है, यह भी बड़ा सवाल है, या फिर 19 लाख रोजगार देने का वादा ही रह जाएगा। पटना से डीटीवी भारत के लिए उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में एमएलसी चुनाव का ऐलान होगा।